नमस्कार। इस वीडियो में हम एमबीए का फॉर्म भरना सीखेंगे। दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एमबीए का फॉर्म भरने के लिए क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेटेड है तो एप्लीकेंट लॉगिन का यूज़ करें। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेंगे और नीचे दिए गए डिक्लेरेशन पर टिक करके एक्सेप्ट और कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। बैक बटन का उपयोग आप बैक जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट अदर स्टेट चूज़ करेंगे। छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ चूज़ करेंगे अपना डोमिसाइल स्टेट चूज़ करने के लिए। अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे वह गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अपना डोमिसाइल यहाँ से चूज करें, सेलेक्ट व कंटिन्यू पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम का नेम दर्ज करेंगे, जो भी आपने एग्ज़ाम फेस किया है। इन इन सभी में से जो भी एग्ज़ाम आपने किया है, एग्ज़ाम की परीक्षा दी है, उसको चूज करके आप अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस ईयर में आपने ये एग्ज़ाम पास किया है। यहाँ पे आप अपना उसका रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट, जो टेंथ की मार्कशीट है, उसके अनुसार अपना DOB, डेट ऑफ बर्थ, आपकी टेंथ की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए ताकि आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा मिल सके। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। उसमें एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर और एक डिजिट होना कंपलसरी है। आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, उसे वापस कंफर्म करने के लिए यहाँ पे डालेंगे। सेव व नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पर ओके बटन क्लिक करेंगे। यह आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, आप इसे नोट करके रख लें। यही आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड भी होगी, लॉगिन आईडी होगी। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे, क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी अभी वहाँ पे क्रिएट हुई है, उसे आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपने क्रिएट किया है वहाँ पर। यहाँ पे आप अपना कैप्चा डालेंगे, जो बाजू में है। लॉगिन बटन क्लिक करके आप लॉगिन पर जाएंगे, अंदर जाएंगे। रीसेट बटन क्लिक करने पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रीसेट हो जाएगी। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन बटन क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे। यह आपका पर्सनल डिटेल का फॉर्म है। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, जेंडर का नाम डालेंगे। यहाँ पे अपनी कास्ट व कैटेगरी चूज करेंगे। यहाँ पे आप अपना क्लास चूज करेंगे कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने माता का नाम डालेंगे। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पे आपका रिलीजन चूज करेंगे। यहाँ पे आप अपना रीजन चूज करेंगे। यहाँ पे आप अपना गार्जियन का मोबाइल नंबर डालेंगे। गार्जियन का मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे कि आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, अपना पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड में ओके बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यह आपका क्वालिफिकेशन पेज है। आप जो एग्ज़ाम से एंटर किए हैं, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसके यहाँ पे डिटेल डालेंगे कि टोटल मार्क्स उसके कितने थे और आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। यहाँ पे आप आपका ग्रेजुएशन की डिटेल, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चूज़ करेंगे। जो ग्रेजुएशन किए हैं वह ग्रेजुएशन चूज़ करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ डालेंगे। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर डालेंगे। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे।
यहाँ पे आप अपना टोटल मार्क्स डालेंगे, जितने मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में थे, यहाँ पे आपके ऑप्टेन मार्क्स, जितने मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आपने प्राप्त किए हैं वह डालेंगे। सेव व नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड में ओके बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप अपनी इमेज व सिग्नेचर डालेंगे। आपकी इमेज व सिग्नेचर 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए। जैसे ही आप अपनी इमेज व सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेंगे चूज फाइल से, सेव व नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड में ओके बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप अपने पेमेंट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपना कैप्चा डालेंगे, मेक पेमेंट करके आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करेंगे। यह आपका रिस्पॉन्स पेज है। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करने पे आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। गो टू एप्लीकेशन क्लिक करने पे आप अपने एप्लीकेशन, यह आपका एप्लीकेशन पेज है। यहाँ पे आप अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। यह बटन्स आपकी सुविधा के लिए हैं। क्रॉस बटन चूज करने पे आप अपनी यह एंट्री डिलीट कर सकते हैं। अप बटन करने पे आप उसे ऊपर लेवल पे डाल सकते हैं। डाउन बटन पे आप डाउन बटन पे डाल सकते हैं। ऐड न्यू रो करके आप अपना एक ऐड न्यू रो ऐड कर सकते हैं, ताकि आप अपने उसमें प्रेफरेंस डाल सकें। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन के टाइम पर लेके जाना है अपने साथ, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लेवें। नीचे डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को आप अच्छे से पढ़ लेवें। आई एग्री पे टिक करके सबमिट बटन क्लिक करके, डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड में ओके बटन क्लिक करके आगे बढ़ें। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सारी चीजें। धन्यवाद।